हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट, डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो देखिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की आज हम बात करें तो 24 जून 2021 को अभी 1 बजे का स्टेटस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 13.10 रुपये पे आज ओपन हुआ और 13.00 का लोअर सर्किट लगा डाला है। 4.76% का लोअर सर्किट है, हालांकि 13.15 का हाई भी बनाया। 38,43,693 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 51.67% की डिलीवरी उठाई गई। BSE के ऊपर देखें तो 13.03 के ऊपर लोअर सर्किट लगा है और 9,82,895 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 64.37% की डिलीवरी। 1971.48 करोड़ इसकी मार्केट की कंपनी की मार्केट कैप है। हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक लो 4.64 का है और 52 वीक हाई है 14.95 का। दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर 23 जून 2021 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। मीटिंग का एजेंडा था क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करना, और देख सकते हैं इस कंपनी के क्वार्टर फोर की अर्निंग्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें सीधे नेट प्रॉफिट की, तो क्वार्टर फोर में 157.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आई है कंपनी, जबकि इससे पहले 118.6 करोड़ का था, जबकि इससे पहले क्वार्टर टू में 476.6 करोड़ का लॉस था, जबकि इससे पहले क्वार्टर वन में 409.3 करोड़ का लॉस था। राइट, क्वार्टर फोर में अगर आप देखें तो मार्च 2020 के अंदर तो 311.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो देख सकते हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पे कम है। तो बहरहाल, अगर आपको मैं चीज़ ग्राफ हॉरिजॉन्टल बार लाइंस के जरिए बताना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं कंपनी को क्वार्टर फोर के अंदर 157.28 करोड़ का नेट बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टॉप लाइन की बात करें, यानी रेवेन्यू की बात करें, तो क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी को, आपको मैं बताना चाहूँगा, हाँ, 2,354.18 करोड़ का नेट रेवेन्यू गेन हुआ है। ये पिछले क्वार्टर की कंपेयर में थोड़ा सा कम है, लेकिन उसी के आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्केड्यूल करी गई है। मीटिंग स्केड्यूल तो करी गई थी, राइट, आपने नोटिस किया होगा 23 जून को मीटिंग का एजेंडा था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का एजेंडा था इसके क्वार्टर फोर की अर्निंग्स को अनाउंस करना। लेकिन क्वार्टर फोर की अर्निंग्स के बाद अब नेक्स्ट जो मीटिंग होनी है वो EGM के लिए होनी है 29 जून 2021 को, राइट। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। 29 जून 2021 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, और उससे क्या आगे कंपनी का बोर्ड के अंदर फैसला लिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हमारे लिए यूज़फुल होगा। देखिए, अगर हम बात करें इसके अंदर लोअर सर्किट क्यों लगा, लास्ट के 5 दिनों का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आखिरी के 2 दिन से, यानी 23 जून 2021 जैसे इसका रिजल्ट आया, उसके बाद से इसके अंदर हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे का कारण देखिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। अभी इस समय लोअर सर्किट लगभग हर पेनी स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो ये एक माहौल है, एक तरीके से बोल सकते हैं एक फ्लो है, और फ्लो की डायरेक्शन में ही ये चल रहा है स्टॉक। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें या हो सकता है आपको 29 जून तक, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है आपको 29 जून तक इसके अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ या उससे पहले ही रिकवर भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, चांसेस है कि पहले ही रिकवर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद भी हो सकती है कि EGM में क्या फैसला लिया जा रहा है, ये चीज़ भी हम लोगों को नोटिस करना होगा। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा, जो कुछ अपडेट आएगी वहाँ से, जो कुछ स्टेप लिए जाएंगे, फैसला लिया जाएगा, आपको डेफिनेटली मैं बताने की कोशिश करूँगा वीडियोज़ के माध्यम से। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर के इन बातों को ध्यान में रखिए कि 29 जून 2021 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डेट। Okay, so we will talk later on regarding this topic. So this is all for today. If you like this content, please give a big thumbs up and take care, and see you next time, friends.